Let's learn Diwali related words in English and Hindi. Deepavali ya Diwali. Diwali ko English mein Festival of Lights ya phir Festival of Lamps kehte hain. Deepak. Deepak ko English mein lamp kehte hain. Deepak ki law. दीपक की लौ को इंग्लिश में लैंप फ्लेम बोलते हैं। मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए को हम क्ले या फिर अर्दन पॉट बोलते हैं। दिए जलाना। दिए जलाना मतलब लाइट द लैंप्स। रुई की बाती को इंग्लिश में कॉटन विक बोलते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। पटाखे। पटाखों को इंग्लिश में क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स कहते हैं। प्रदूषण रहित पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखों को इंग्लिश में ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं। मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखों को इंग्लिश में कॉक ब्रांड क्रैकर्स कहते हैं। आलू बम। आलू बम को इंग्लिश में हम बास बॉम्ब बोलते हैं। अनार बम। अनार बम को इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर या फिर फ्लावर पॉट बोलते हैं। फुलझड़ी। फुलझड़ी को इंग्लिश में हम स्पार्कलर बोलते हैं। चरखी। चरखी को इंग्लिश में गैलेक्सी स्पार्क्स या फिर ग्राउंड स्पिनर बोलते हैं। रंगीन माचिस। रंगीन माचिस को इंग्लिश में कलर्ड मैच बॉक्स बोलते हैं। चिंगारी। चिंगारी मतलब स्पार्क्स। पटाखों की लड़ी। पटाखों की लड़ी को चेन ऑफ फायर क्रैकर्स कहते हैं। दीपों का त्योहार। दीपावली दीपों का त्योहार होता है। इसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फिर फेस्टिवल ऑफ लैंप्स कहते हैं। पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़ना मतलब बस द क्रैकर्स और लाइट द क्रैकर्स। आतिशबाजी। आतिशबाजी को हम इंग्लिश में कहेंगे फायरवर्क्स। अग्निबाण। अग्निबाण को कहेंगे हम रॉकेट। पटाखों की आवाज। पटाखों की आवाज को इंग्लिश में कहते हैं नॉइस ऑफ क्रैकर्स। अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस या फिर जॉस्टिक। कपूर। कपूर मतलब कैंपर। सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं। लौंग। लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। हवन। हवन को इंग्लिश में होली रिचुअल्स बोलते हैं। प्रसाद, जो कि हम पूजा में चढ़ाते हैं भगवान के सामने प्रसाद, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे होली ऑफरिंग। प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद चढ़ाने को कहेंगे ऑफर द ऑफरिंग। पूजा करना। पूजा करना मतलब वर्शिप। पूजा की थाली। पूजा की थाली को इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं।
देवी, देवी मतलब गॉडेस। दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा होती है तो देवी को हम कहेंगे गॉडेस। देवता, देवता को इंग्लिश में कहते हैं गॉड। शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त मतलब स्पीशियस टाइम। पंडित, पंडित को इंग्लिश में कहते हैं हिंदू प्रीस्ट। सजाना, सजाना मतलब डेकोरेट। दीपावली पर सभी लोग अपना घर दुकानें सजाते हैं तो सजाने को हम कहेंगे डेकोरेट। रंगोली, रंगोली मतलब सेक्रेट पैटर्न। रंगोली बनाना, रंगोली बनाने को बोलेंगे हम मेक द सेक्रेट पैटर्न। पीतल की घंटी, पीतल की घंटी को इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रास बेल। कलश, कलश मतलब ब्रास पॉट। मूर्ति, मूर्ति मतलब स्टैच्यू या फिर आइडल। घंटी बजाना, घंटी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं रिंग द बेल। वनवास मतलब एग्जाइल। दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, जिस खुशी में दीपावली मनाया जाता है तो वनवास को हम कहेंगे एग्जाइल। धन, धन मतलब वेल्थ। त्योहार मनाना, त्योहार मनाने को हम कहेंगे सेलिब्रेट द फेस्टिवल। वातावरण, वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर या फिर क्लाइमेट। सावधानी, सावधानी को इंग्लिश में कहेंगे प्रिकॉशंस। जैसे कि हमें पटाखे चलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए तो सावधानी को कहेंगे हम प्रिकॉशन। मिठाई बांटना, मिठाई बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स या फिर शेयरिंग स्वीट्स। रौनक, रौनक मतलब स्प्लेंडर या फिर पॉम्प एंड शो। त्योहारों पर बहुत ही रौनक होती है तो रौनक को हम कहेंगे स्प्लेंडर या फिर पॉम्प एंड शो। भीड़भाड़, भीड़भाड़ मतलब ओवरक्राउडिंग या फिर हसल एंड बसल। त्योहारों के समय में बाजारों में बहुत भीड़ रहती है तो उस भीड़भाड़ को हम कहेंगे ओवरक्राउडिंग या फिर हसल एंड बसल।